ए, सिंस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स इक्वल टू है ए है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, करेक्ट। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, सपोज ए, कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए कॉमा एफ ऑफ ए, करेक्ट। सिमिलरली कंसिडर अनदर पॉइंट। अब रोज थ्योरम में हम क्या करते थे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कंसिडर करते थे, तो हम सेम लाइन पे एफ ऑफ बी कंसिडर किए थे, करेक्ट। वी कंसिडर ऑन सेम वाई एक्सिस। अब क्या करना है, सिंस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, तो यू कैन कंसिडर इट एनी वेयर। कंसिडर अनदर पॉइंट एक्स इक्वल टू बी, सपोज ये मेरा पॉइंट बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी कॉमा एफ ऑफ बी, करेक्ट। अब ये क्या हो गया मेरा कॉर्ड ए बी, करेक्ट। इसका स्लोप क्या आएगा? सी, मेरे पास दो पॉइंट है, जब हमारे पास दो पॉइंट होता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप बाय टू पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, करेक्ट। सो ये वैल्यू क्या आएगा मेरा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। नाउ सपोज ये कॉर्ड के पैरेलल में एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ एट दिस पॉइंट सी। सो देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, जो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। वाई? बिकॉज ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल हैं, सो दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। समझा ज्योमेट्रिकली? मैम, वो सी पॉइंट ऐसा है क्या कि वो ए बी के बीच में ही आएगा या ए बी पे कहीं भी आएगा? जब इसके पैरेलल लाइन लोगे ना तो वो बी के बीच में ही आएगा। बीच में ही आएगा ना? ओके। हाँ हेलो मिस बोल। मैम, ये ऊपर वाला थोड़ा स्टेटमेंट फिर से बताओगी? थोड़ा कौन सा वाला? मैम, ये थोड़ा मैं गलती से लेट ज्वाइन हुआ, ये वाला बताओगी? ये दोनों गिवन कंडीशन है हमारे, कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, ये कंडीशन है, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा? देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ सी मिलेगा, इसमें एक्स इक्वल टू ए बी सब्सटीट्यूट करो, ये दो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मैम, ये फॉर्मूला आपने कल या परसों भी यूज किया था ना कहीं पे? तो ऐसा ही कुछ तो मैम डिफरेंशिएशन LHS एंड हाँ LHS डेरिवेटिव के लिए, हाँ, बट वो डिफरेंट है, ये रिजल्ट अलग है, इसको हम LMVT रूल बोलते हैं। ओके मिस। क्लियर? सो कम टू एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 7। सी, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन 1, e। ओके, सो हियर एक्स इज बिलोंग्स टू 1, e, लॉग एक्स मेरा डिफाइन होगा, सो लॉग एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। सिंस लॉग एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज
continuous on close interval 1, e and differentiable on open interval 1, e. Okay, then there exists C which belongs to open interval 1, e such that f dash of C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. अब क्या करना है, सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट एफ डैश ऑफ सी. सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विच इज इक्वल टू 1/x. And therefore, f dash of c is equal to 1/c. Okay. Now, f of b. B kya hai mera? E. So, f of e is equal to, substitute x equal to e. Log e, which is equal to 1. Similarly, f of 1 is equal to log of 1, which is equal to 0. Ab sari values hai mere paas. सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन वन में. फ्रॉम इक्वेशन वन एफ डैश ऑफ सी इज 1/c विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज लॉग ई विच इज 1 माइनस एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ 1 विच इज 0 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज ई माइनस 1 एंड देयरफॉर 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1 which implies c is equal to e minus 1. Okay. Similarly, baki sare sum karne hain. So, you guys start with question number 3. Ma'am, wait. मैं सिर्फ मेंशन कर रही हूँ क्वेश्चन. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 11/7 कॉमा 13/7 जिसका हो गया है वो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो. और 13 है ना? क्या क्या वो x belongs to 11/7 और 13/7 है ना? हाँ, माइनस 11/7 कमा 13 सेम करने का फर्स्ट जैसा. हाँ सेम, वेरीफाई लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम. मैम लॉग वन जीरो होता है क्या? ओके. मैम यहाँ पे खाली हमें कुछ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या? हाँ, जब वेरीफाई करने बोलेंगे तो थ्योरम यूज करो एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी. जब सी की वैल्यू मिलेगी तुम्हें तो थ्योरम हमारा वेरीफाई होगा. इट्स ट्रू दैट देयर एग्जिस्ट सम सी व्हिच फॉलो दिस थ्योरम. अगर मैम सी की वैल्यू 0 मिली तो चलेगा? वो भी चलेगा, बस इसके बीच में आना चाहिए. जो पॉइंट तुम्हें दिया है, जो इंटरवल दिया है,
उसी में तुम्हारा पॉइंट एग्जिस्ट होना चाहिए. ओके. कृष्णा, कृष्णा अनम्यूट योरसेल्फ. आई वोंट रिपीट अगेन एंड अगेन. हेलो. या सॉल्व किया? नहीं मिस, मैं अभी जॉइंट हुआ. ओके, जल्दी से स्टार्ट करो. ओके मैम. श्रेया? यस मिस. स्टार्ट किया? हाँ किया. कैसे करेंगे? मिस पहले एफ ऑफ सी लिया. स्टार्टिंग के कंडीशंस लिखे नहीं कुछ? हाँ लिखी है. स्टार्टिंग से बताओ. द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. It is continuous on close bracket minus 11 by 7 comma 13 by 7 and differentiable on open bracket minus 11 by 7 comma 13 by 7. Okay, after that? Then function of C is a element of minus 11 by 7 comma 13 by 7 such that function... F dash C is equals to function of B minus function of A upon B minus A. Okay. Calculation करो आगे. हाँ. Miss बोलू? नहीं नहीं तुम solve करो. Hello ma'am. बोल. ma'am एक बार वापिस से बताओ ना वो वाला सब, मेरे को थोड़ा doubt हो रहा है कैसे किए. कहाँ डाउट आ रहा है बता. मैम स्टार्टिंग से मतलब वो बरोबर समझ रहा नहीं है आपने क्या किया है वो फॉर्मूला के बाद से. फॉर्मूला के बाद से यहाँ इक्वेशन वन के बाद? हाँ. ओके क्या किया है? अच्छा इक्वेशन क्या है? डिफरेंशिएट किए वो समझा मेरे को. डिफरेंशिएट किए वो समझा. ओके क्यों किया हमने डिफरेंशिएट? वो ताकि x के बदले वो a b c डाल पाए शायद से. Because we want f dash of c, that is derivative of f at point c. हाँ. इसलिए हमने f dash of x find किया and हमें c पे वैल्यू चाहिए इसलिए x equal to c substitute किया. करेक्ट? अच्छा हाँ. हाँ next बाकी मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? f of b, f of a मैंने यहाँ पे सेपरेटली फाइंड किया है. अगर तुम्हें सेपरेटली नहीं फाइंड करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो. मैम अगर f of c के लिए, अच्छा वो f dash of c है. ओके ठीक है. ये f dash of c है. हाँ हाँ. एंड दिस इज योर f of b. अब यहाँ पे इंटरवल मुझे क्या दिया है? a b one और e. हाँ. So f of b is f of e which is equal to substitute x equal to e. Similarly, f of a find करने के लिए substitute x equal to 1. So f of 1 is 0. Then ये सारी value उठा के मैंने equation 1 में substitute. ठीक है, okay. ठीक है, ठीक है.
पवन हाँ मिस हो गया सॉल्व हाँ ओके डेरिवेटिव बताओ अच्छा इसके बाद हम क्या क्या करेंगे इसके बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसमें एक्स की वैल्यू सी पुट करेंगे ओके डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 3 ओके एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओके अभी सी पुट करेंगे 2c माइनस 3 फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे ओके क्या मिला तुम्हें एफ ऑफ बी माइनस 105 अपॉन 49 माइनस 105 अपॉन 49 फिर एफ ऑफ वे की वैल्यू फाइंड किया उसका वैल्यू मिला 351 अपॉन 49 ओके चेक करो सबको यही मिला है क्या ओके तुम आगे सॉल्व करो सी की वैल्यू में सी नहीं मिला कैलकुलेशन चेक कर एक बार भवन वापस इस राइट है कैलकुलेशन तो तुम लोग को क्या मिल रहा है वैल्यू मैम मेरा एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी 13 बाय 7 आया माइनस 159 बाय 49 मिस इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा ना फिर माइनस ओके अच्छा तेरे को क्या मिला एफ ऑफ बी माइनस 159 बाय 49 मिस मेरे को एफ ऑफ बी मिला माइनस 153 बाय 49 हां मिस मिस मुझे डू वन थिंग 59.39 हां मिस दो लोग का मैच हो गया ये राइट होगा अच्छा क्या मिला 150 अरे माइनस 153 बाय 49 ओके सी यू कैन डू वन थिंग अगर कैलकुलेशन में ऐसा डाउट आ रहा है तो पहले ही सॉल्व मत करो एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ 13 बाय 7 व्हिच इज इक्वल टू फंक्शन क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 सो ये मिलेगा 169 बाय 49 माइनस 39 बाय 7 माइनस 1 करेक्ट Now, f of a is equal to f of minus 11 by 7, which is equal to minus 11 by 7 square minus 3 minus 11 by 7 minus 1, which is equal to 121 by 49 plus 33 by 7 minus 1. Okay? अब क्या find करना है मुझे? f of b minus f of a. Minus करो, 169 by 49 minus 39 by 7 minus 1. ये इससे माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा माइनस 121 बाय 49 माइनस 33 बाय 7 प्लस 1 ठीक है अब जिसके डिनोमिनेटर में 49 है वो एक साथ लिखो 169 माइनस 121 बाय 49 माइनस ये हो जाएगा 39 प्लस 33 बाय 7 और ये 1 कैंसिल हो गया नाउ सॉल्व दिस मैं वो ऊपर का कैलकुलेशन नहीं समझा f of a और f of b का मैंने सिर्फ फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x equal to 13 by 7 and x equal to minus 11 by 7 that's it
मैम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्यों किए? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्यों किए? थ्योरम का स्टेटमेंट चेक करो. अच्छा हाँ 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 ओके. चेक करो सबको यही मिला क्या वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अगर तुमने डायरेक्टली भी इसको सॉल्व किया तो माइनस करके देखो तुमको फाइनल आंसर यही मिलना चाहिए. ठीक है मिस. हाँ बोल मिस मुझे माइनस 81 बाय 56 आया. नहीं गलत है. सी जिसने ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट किया है वो भी माइनस करके देखो ये आंसर मिल रहा है क्या. माइनस 456 बाय 49. मैम इसको आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते? आगे कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ मतलब पॉइंट में आ रहा है. नहीं पॉइंट में मत निकालो अभी के लिए बिकॉज फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. हाँ हाँ ओके. अभी हमें हाँ. आगे और करना है ना. तो सब लोग अपना आंसर चेक करो. जिसने डायरेक्टली सॉल्व की कर दिया है यहाँ पे वो भी चेक करो. माइनस करने के बाद ये आना चाहिए माइनस 456 डिवाइडेड बाय 49. देन सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन वन में. फ्रॉम वन एफ डैश ऑफ सी क्या मिला था? 2c माइनस 3 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज माइनस 456 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. सो आई सजेस्ट बी माइनस ए भी यहीं पे निकाल लो. बी माइनस ए इज इक्वल टू 13 बाय 7 माइनस ऑफ माइनस 11 बाय 7 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 11 बाय 7 विच इज इक्वल टू 24 बाय 7. ठीक है नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 456 बाय कैलकुलेट करो ये वैल्यू. माइनस 19 बाय 7. ठीक है सो 2c इक्वल टू अभी सॉल्व करो 3 साइड लेके आओ 3 माइनस 19 बाय 7 विच इज इक्वल टू 2 बाय 7 एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू 1 बाय 7. ओके मिला सबको चेक करो एक बार. मैम फिफ्थ सम में क्या करना है? फिफ्थ सम भी सेम उसमें मैम ऑन 4-5 लिखा है तो सेम ही है. मतलब क्या क्या सेम है? एक्स बिलोंग्स टू नहीं दिया है बस लिखा है एफ ऑफ एक्स ऑन 4,5. हाँ उसका मीनिंग वही है कि एक्स बिलोंग्स टू 4,5. हाँ ठीक है ओके तो बाकी के सम होमवर्क कितने बचे? 1, 2, 3 कर लोगे? सेम मेथड अप्लाई करना है. ओके सो होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 7th 2nd 4th एंड 5th. डन. Next topic is increasing and decreasing function. मैम वो भी सब सेम फॉर्मूला से करना है ना? कौन सा? वो जो होमवर्क दिया. सेम क्वेश्चन देखो ना तुम. वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. मतलब क्या थ्योरम वेरीफाई करना है? सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अगर इसी की जगह पे रोल्स थ्योरम बोला होता
तो सेम तीन कंडीशन चेक करना है रोल्स थ्योरम का एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन y is equal to f of x is said to be increasing function of x in the interval a comma b if f of x2 greater than f of x1 whenever x2 greater than x1 in a comma b. Now read this statement carefully. हमारे पास curve है y is equal to f of x. y is equal to f of x. ये function मेरा increasing कब होगा? सपोज मेरे पास दो पॉइंट है x1 एंड x2. सपोज दो पॉइंट है x1 एंड x2. ओके अभी यहाँ पे मुझे देख के बताओ इज x2 इज ग्रेटर देन x1? यस और नो? Is x2 is greater than x1? Yes. बराबर? Yes. Then, अभी ये चेक करो, since function मेरा क्या है y is equal to f of x, अगर x coordinate मैंने x1 लिया तो y coordinate मुझे क्या मिलेगा? F of x1. F of x1. अगर x coordinate x2 लिया तो y coordinate क्या मिलेगा? F of x2. F of x2. ओके अब ये चेक करके बताओ कि f of x2 और f of x1 में क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है? f of x1 यहाँ आएगा, f of x2 यहाँ आएगा. Yes. Ma'am, x2. Yes. Is f of x2 is greater than f of x1? Yes, ma'am. बराबर. तो देखो condition मेरा क्या satisfy कर रहा है? If x2 is greater than x1 implies f of x2 is greater than f of x1, मतलब मेरा function increase हो रहा है. और यही मेरा definition है. The function y is equal to f of x is said to be increasing function of x in this interval a b if f of x2 greater than x1, f of x1 whenever x2 is greater than x1. अगर x coordinate greater है तो y coordinate भी same relation अगर follow कर रहे हैं तो function मेरा increasing होगा. समझा? Hello miss. बोल. मैम उस सम के बाद आपने यही सिखाया क्या बस? हाँ तू कहाँ था? नहीं मैम मेरा लेफ्ट हो गया था गलती से. हाँ हाँ ये इतना ही बताया. मैम बत एक बार फिर से बताओ ना मैम ये वाला प्लीज. ओके सी लिसन टू मी y is equal to f of x is said to be increasing function. हम फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है कब बोलेंगे? अगर सपोज मेरे पास दो x कोऑर्डिनेट है और वो कोई रिलेशन फॉलो कर रहे हैं x2 is greater than x1 then y coordinate भी मेरा same relation follow करना चाहिए that is f of x2 greater than f of x1. you can verify this by geometrically. okay इतना हो गया. now उसके बाद see suppose f of x is increasing function.
suppose y is equal to f of x is increasing function in a comma b, let h greater than 0 be small increment to x. Okay, so if h is positive, then x plus h is greater than x. Agree? अगर x में कोई मैंने पॉजिटिव वैल्यू ऐड किया तो वो वैल्यू मेरा ग्रेटर देन x होगा, बराबर? मैम नहीं समझा। क्या नहीं समझा? मतलब ऐड करने पे क्या? ओके, टेक x इज इक्वल टू 4। 4 में मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रही हूँ, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है। सपोज 4 में मैंने कोई एक स्मॉल वैल्यू ऐड अप किया है 0.1, तो ये मेरा क्या हो गया 4.1। अब इन दोनों में मुझे रिलेशन बताओ, इस 4.1 इज ग्रेटर देन 4? यस। हाँ, तो मैंने वही लिखा है, x प्लस h इज ग्रेटर देन x। अगर कोई वैल्यू में तुम पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ग्रेटर आएगा ना वैल्यू, समझा? हाँ मैम। So, x plus h is greater than x. Since f of x is increasing function, apply this definition. अगर मैं x2 greater than x1 ले रही हूँ, तो function भी क्या आएगा? F of x2 is greater than f of x1. So, यहाँ पे definition apply करो. F of x plus h is greater than f of x. Since f is increasing function. ये समझा? Now, f of x plus h, अभी माइनस करो दोनों साइड f of x से, माइनस f of x is greater than 0, divide by h on both side, f of x plus h minus f of x divided by h greater than 0 by h is 0 again. Apply limit on both side, limit h tends to 0 on both side, तो ये क्या हो जाएगा, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is greater than 0. Okay, अब मुझे LHS क्या मिल गया, is this f dash of x? Yes. Greater than 0? Yes. समझा सबको? ओके, हाँ, तो कंक्लूजन क्या है, मुझे स्लोप क्या मिलेगा अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, पॉजिटिव। हाँ, तो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन तो मेरा ये है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फंक्शन मेरा कब इंक्रीज होगा, व्हेन इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन इम्प्लाइज दिस, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, to solve question you just Hello, check miss. whether f let me complete mujhe last point batao na bas ek minute kaun sa ye f of x plus h minus f of x upon h greater than 0 ke baad ha just a minute mereko apna sentence complete karne do 2 minute okay kahan thi main wo question solve kar rahe hain ha see my definition is increasing function ke liye, if x2 greater than x1 implies this, then my function is increasing. Okay, ab question check solve karne ke liye hum function kaise check karenge increasing hai ya nahi, to simply find out derivative and check whether this derivative is greater than 0 or not. Jo bhi tumko value diya hai x ka, us pe tumhara derivative greater than 0 aa raha hai ki nahi, tumhe ye check karna hai. If f dash of x is greater than 0 for all values of x, जो भी question में mention किया है, तो your function will be increasing. समझा करना क्या है? Okay, अब जिसको ये part नहीं समझ आया है, वो वापस से देखो. See, मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे consider किया है कि y is equal to f of x मेरा increasing function है. ठीक है?
ऑलरेडी मैंने ये कंसिडर किया है यहाँ पे. नाउ टेक एच ग्रेटर देन जीरो भी स्मॉल इंक्रीमेंट, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है. सो मेरा x प्लस एच ग्रेटर देन x हो जाएगा, बिकॉज x में अगर मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड की तो वो वैल्यू मेरा ग्रेटर देन x आएगा. इवन यू कैन चेक बाय टेकिंग वन एग्जांपल. ओके, अब इसके बाद सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई डेफिनेशन, सेम रूल फॉलो करेगा फंक्शन. सो f ऑफ x प्लस h ग्रेटर देन f ऑफ x. नाउ अभी f ऑफ x माइनस करो बोथ साइड, देन h से डिवाइड करो बोथ साइड एंड देन टेक लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड. तो LHS में क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन जीरो. अभी ये सब मैंने क्या शो किया है कि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो मेरा f डैश ऑफ x ग्रेटर देन जीरो रहेगा. सो टू सॉल्व प्रॉब्लम यू कैन चेक वेदर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब तुम्हें चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट. टेक x क्यूब. ओके, तो क्या करोगे, सिंपली टेक डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट. सो f डैश ऑफ x मिलेगा 3x स्क्वायर. Now, this x square is always greater than 0 for any x belongs to R. Barabar, except at x equal to 0 because 0 is neither positive nor negative. So, since x square is always positive for x not equal to 0, therefore, f dash of x greater than 0 for all x belongs to R minus 0. एंड देयर फोर एफ इज इंक्रीजिंग. समझा कैसे करना है? ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था. क्लियर? मैं इनको फिर से बताऊं नहीं बता क्या तेरा डाउट क्या है तू वो बता, सो दैट आई नो ना कि क्या डाउट है तेरा, क्या नहीं समझ आया. हम ये f dash of x 3x square आ गया. फिर उसके बाद मैम क्या किया हम लोग ने, ये मतलब उसके बाद मेरे को क्या चेक करना है कि मेरा ये फंक्शन ये पॉजिटिव होगा या नहीं. तो तुझे पता है कि x square हमेशा पॉजिटिव होगा. हाँ. बराबर, और x square के साथ तू एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 3. तो x हाँ, अगर सपोज मुझे वैल्यू मिला होगा माइनस 3x स्क्वायर, अब बता ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव? ये तो नेगेटिव है ना मैम. ये नेगेटिव मिलेगा. सो यही दो एग्जांपल हो गए मेरे, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन. समझा? यस. सो सेम इंक्रीजिंग फंक्शन का ऑपोजिट आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन. Decreasing function definition is the function y is equal to f of x is said to be decreasing function of x in interval a comma b if f of x2 less than f of x1 whenever x2 is greater than x1 in a comma b. अभी स्टेटमेंट एक बार देख लो, फिर हम लोग ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करेंगे. डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि क्या, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 तो फंक्शन क्या फॉलो करेगा, ऑपोजिट रूट. ठीक है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 आएगा f of x2 less than f of x1 होगा. फॉर एग्जाम्पल सी हियर,
सपोज ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो x1 एंड कंसिडर दिस पॉइंट x2. अब मुझे बताओ वेदर x2 इज ग्रेटर देन x1 और नॉट, इज इट ट्रू? नहीं, x एक्सिस देखो, सिर्फ x एक्सिस देखो, x2 ग्रेटर देन x1 है या नहीं? यस करेक्ट, बिकॉज हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं ना, तो x2 ग्रेटर देन x1 आएगा. ठीक है, y एक्सिस अभी मत देखो, सिर्फ x एक्सिस देखो, x2 इज ग्रेटर देन x1 करेक्ट. नाउ y वैल्यू फाइंड आउट करो, सिंस y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? x2 कॉमा f ऑफ x2, ये क्या हो जाएगा? x1 कॉमा f ऑफ x1. ओके, देखो f2 मेरा यहाँ पे मिला f ऑफ x2, एंड f ऑफ x1 यहाँ पे मिलेगा y एक्सिस पे. अब चेक करके बताओ f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 है या नहीं? यस मिस. यस मिला. यस मिस. हाँ, तो ग्राफ मेरा फॉलो क्या कर रहा है? x2 ग्रेटर देन x1 के लिए मुझे मिल रहा है f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, बराबर. सो दिस इंप्लाइज f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और तुम ग्राफ से देख सकते हो कि मेरा ग्राफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. यू कैन वेरीफाई, करेक्ट? समझा डेफिनेशन? इंक्रीजिंग का ऑपोजिट लेना है, ठीक है. एंड देन सेम जो हमने h के लिए सॉल्व किया था, सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, लेट h ग्रेटर देन जीरो बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, सो x प्लस h इज ग्रेटर देन x, एग्री? अप्लाई दिस डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो f ऑफ x प्लस h विल बी लेस देन f ऑफ x बाय डेफिनेशन. सेम माइनस करो f ऑफ x बोथ साइड, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x लेस देन जीरो, डिवाइड बाय h ऑन बोथ साइड, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h लेस देन जीरो. Apply limit on both side. Limit h tends to 0. F of x plus h minus f of x divided by h less than 0. LHS kya mil gaya? F dash of x less than 0. So, for decreasing function, slope of tangent kya milega tumhe? Positive or negative? Negative. 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 So, जब भी तुम्हें चेक करना हो whether function is decreasing or not, तो simply चेक करो कि f dash of x तुमको less than zero मिल रहा है या नहीं. ठीक है, condition समझा? अभी किसी को doubt है increasing and decreasing function में? Simply तुम्हें क्या चेक करना है? Derivative find out करना है function का, and चेक करना है whether f of f dash of x is greater than 0 or less than 0. Okay? Okay. So, exercise open karo. Exercise 2.4. Question number first. Test whether the following functions are increasing or decreasing. So first question is,
f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16, where x belongs to real number. तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करो और बताओ क्या मिला. मैम 3x स्क्वायर. एक मिनट यश विवेक. हेलो मिस. हाँ डेरिवेटिव बताना. 3x स्क्वायर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x 12x प्लस 12. ओके मिला सबको. देन अब क्या करना है, 3 यहाँ से कॉमन निकालो. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. ओह सॉरी 4x आएगा बराबर. ओके दिस इज इक्वल टू 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर. बराबर. यस मैम. नाउ अभी ये x माइनस 2 होल स्क्वायर मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा बिकॉज हम स्क्वायर ले रहे हैं. सिंस x माइनस 2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2, तो x नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए. ठीक है अब x माइनस 2 होल स्क्वायर को हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा. बराबर. तो देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट एट 2 एंड देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग. x belongs to R minus 2. समझा कैसे सॉल्व करना है. सी यू मे नॉट फाइंड फॉर एवरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. हम इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे ना. नहीं इसके आगे नहीं करना. दैट्स इट. इतना ही करना है तो बाकी के दो सम अभी करो और बताओ दोनों में से कौन सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है. सेकंड वन इज. हेलो मैम. बोल मैम. f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है ना. f डैश ऑफ x अगर कांस्टेंट वैल्यू दिया है तो. क्योंकि मैम स्लोप 0 है होता है ना तो. हाँ बट अगर उन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही मेंशन करेंगे. डोंट वरी. ओके मैम. वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं देंगे जिसका तुम बता नहीं सकते. तो सेकंड वन इज f of x equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube x belongs to R. And third is f of x equal to x minus 1 upon x x belongs to R x not equal to 0. सॉल्व करो ये दोनों. एलिना. हेलो मिस. हाँ सेकंड वन किया. हाँ मिस डिफरेंशिएट हो गया. तो मिस माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है.
f dash of x is minus 3 plus 6x minus 3x square minus 3x minus 3 common liya हाँ बराबर take minus 3 common 1 plus 2x minus निकालोगे common तो ये minus हो जाएगा हाँ हाँ plus x square तो 1 minus x minus 1 the whole square formula आ जाएगा बराबर अभी ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सिंस ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ये मेरा नेगेटिव है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा मुझे करेक्ट दीपिका गणेश हेलो हाँ दीपिका हाँ मैम बोलिए ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा ओके क्यों डिक्रीज हो रहा है मैम नेगेटिव है इसलिए ओके सो रीजन लिखो यहाँ पे सिंस x माइनस वन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव except at 1 therefore f dash of x less than 0 for all x belongs to r minus 1 and therefore f of x is decreasing tum log sign mat use karna properly words mein likho theek hai I'm third sum dikhana थर्ड सम इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स हर्षल हाँ मैम हेलो मिस हाँ हाँ कौन बोल रहा है कौशल या हर्षल कौशल हाँ बोल क्या हुआ मिस मुझे लगा आपने मेरा नाम लिया नहीं नहीं मैंने हर्षल को बुलाया कहाँ गया ये हर्षल बोल हाँ हर्षल डेरिवेटिव बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स Where x belongs to r, x not equal to 0. Okay, ये बताओ function increase कब होगा और decrease कब होगा हम check कैसे करते हैं मैम अगर क्या बोलते हैं वो rest x rest to 2 अगर positive रहेगा तो increase होता है मैं एग्जांपल नहीं पूछ रही हूँ इन जनरल बताओ वो तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर का मैम नहीं बताओ अभी तो पढ़ाया ना मैंने हाँ मैम नोट किया है क्या नोट किया है कुछ हाँ हाँ क्या लिखा है f dash of x is greater than 0 for all x belong to R. तो क्या होगा? मतलब f dash of x अगर 0 है, मतलब greater than 0 है तो फिर और all x belong to R minus 2 रहेगा. ये मैंने example दिया है. तुमने definition लिखा है increasing function and decreasing function के लिए. नहीं मैम अच्छा सुना है मैंने क्या बोला whether you are listening or not मैम सुन रहा था लेकिन वो समझा नहीं था मेरे को बस ये different f dash of x निकालने का वो समझा और वो positive कब रहता है और negative वो बस okay see increasing function कब होगा when f dash of x greater than 0 और डिक्रीज कब होगा व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो ये कंडीशन चेक करना है कि दोनों में से कौन सा मिल रहा है हाँ मैम
समझा? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स लिसन टू मी केयरफुली. ओके अभी ये फाइंड करो, डेरिवेटिव फाइंड करो इसका. एक्स एक्स प्लस वन बाय टू एक्स. डिफरेंशिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप जाओ. एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स. इसको हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं इसका? मैम डी बाय डी एक्स बाय वन आएगा, वन वन प्लस वन बाय टू एक्स. डी एक्स बाय वन नहीं मैम, डी एक्स बाय डी एक्स फिर वो वन हो जाएगा ना. हाँ ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. आगे बताओ. और इसका डी डी बाय डी एक्स बराबर. हाँ अब डेरिवेटिव बताओ. डी एक्स बाय डी एक्स मेरा वन हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स इज? डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स वन बाय टू वन बाय टू एक्स माइनस वन बाय टू एक्स. नहीं सी, अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो ऐसे सॉल्व करो इसको, न्यूमरेटर में लेके जाओ. ये क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू माइनस वन बराबर. अब फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन. अब मुझे बताओ क्या मिलेगा? n x raised to n minus 1. Here n is minus 1. Minus 1. Minus 1. 2. X minus 1 x. ऐसा मिलेगा? हाँ, 1 minus 1 0. Minus x raised to minus 2. Yes. Which is, I can write it as minus 1 by x square. Yes, ma'am. हाँ. तो डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, याद रखो. हाँ मैम. दिस इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर. यस. ओके. यस. या. सो गाइस टेल मी वेदर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. हाँ. इंक्रीजिंग. यस. व्हाई? बिकॉज़ एक्स स्क्वायर is greater than zero always except for x equal to zero. ठीक है. So since x square is greater than zero, f dash of x is greater than zero because हम positive value ही add कर रहे हैं इसमें. This implies f dash of x is greater than zero, which implies f is increasing. Okay. तो प्रॉपरली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का डेफिनेशन रीड करो. आई विल डू नेक्स्ट टाइम फर्दर टॉपिक. ओके बाकी का बाद में करेंगे. एनी डाउट्स?